क्या हो अगर इंसान अपना 100% ब्रेन यूज करे। ये मूवी यही दिखाती है कि अगर इंसान अपना 100% दिमाग यूज करता है तो क्या होता है। मूवी की शुरुआत में तालाब के पास एक जानवर दिखता है और बैकग्राउंड में आवाज ये कहती है कि हमें कई बिलियंस पहले जिंदगी मिली पर इंसानों ने इसका क्या किया। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक बड़ा शहर दिखाया जाता है जहाँ हर जगह ट्रैफिक सिग्नल्स और क्राउड है। उनमें से एक लड़की लूसी है जिसके बॉयफ्रेंड का नाम रिचर्ड है। लूसी अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ही दिन पहले मिली। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड लूसी को एक बैग पकड़ाता है जिसमें कि ड्रग रखे हुए हैं। रिचर्ड लूसी को ये बैग होटल के अंदर ले जाकर मिस्टर जैंग को देने को कहता है जिसके लिए लूसी मना कर देती है। फिर रिचर्ड ड्रग वाले सूटकेस से लगी हुई हथकड़ी लूसी के हाथों में बांध देता है जिस पर लूसी बहुत गुस्सा होती है। रिचर्ड उसे कहता है कि इस हथकड़ी की चाबी होटल के अंदर है और ये वहीं खुल सकती है, जिस पे लूसी को और गुस्सा आता है। पर जब उसे लगता है कि उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, वो सूटकेस लेकर होटल के अंदर चली जाती है। वो रिसेप्शन से मिस्टर यांग को सूटकेस पहुंचाने की बात करती है पर तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और बाहर खड़े रिचर्ड को गोली मार देते हैं जिससे लूसी बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वो आदमी लूसी को उनके बॉस मिस्टर यांग के पास ले जाते हैं और लूसी को सूटकेस ओपन करने को कहते हैं। लूसी डरती हुई सूटकेस खोलती है और देखती है कि वहाँ चार ब्लू रंग के पैकेट्स पड़े हैं। मिस्टर यांग उन ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए एक आदमी को लेकर आते हैं जो ड्रग लेने के बाद उटपटान हरकतें करता है और हंसने लग जाता है, जिसे देखकर मिस्टर यांग उसे सबके सामने गोली मार देते हैं। फिर मिस्टर यांग लूसी को कहते हैं कि उसे ड्रग का पैकेट यूरोप में डिलीवर करना होगा, जिसे लूसी मना कर देती है। फिर यांग के आदमी लूसी को मारकर बेहोश कर देते हैं। जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई है और खून निकल रहा है, जिससे वो डर जाती है और सोचती है कि शायद उसके बॉडी का कोई पार्ट निकाल लिया है। तभी यांग के आदमी वहाँ आ जाते हैं और लूसी को मिस्टर यांग के पास ले जाते हैं। वहाँ एक डॉक्टर लूसी को बताता है कि उसका कोई भी बॉडी का हिस्सा नहीं निकाला गया, बल्कि चार पैकेट में से एक पैकेट उसके पेट के अंदर छुपा दिया गया है ताकि यूरोप में डिलीवरी करते वक्त कोई उसे ढूंढ ना पाए। और तभी वहाँ तीन और आदमियों को लाया जाता है जिनके पेट में भी उन ड्रग्स को छुपाया जाता है। अब लूसी और इन तीन लोगों को अपने पेट में छुपे ड्रग के चार पैकेट्स को डिलीवर करना था। सबकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। जब लूसी की पट्टी खोली जाती है तो वो देखती है कि उसके सामने दो आदमी खड़े थे जिनमें से एक उसको टच करने की कोशिश करता है, जिस पर लूसी उसे रुकने को कहती है। उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पेट पर बहुत मारता है, जिसके कारण उसके पेट पे छुपे ड्रग का पैकेट फट जाता है और उसके अंदर जाकर पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिससे वो उड़ने लग जाती है और छटपटाने लग जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो उठकर चेयर पे बैठ जाती है और हम देखते हैं कि लूसी की बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल चुके हैं। अब उसके चेहरे पे कोई डर या घबराहट नहीं होती। ऐसे लग रहा था लूसी में अब कोई पावर्स आ गई हैं। मूवी में हम एक प्रोफेसर को भी देखते हैं जो बहुत से लोगों के सामने ब्रेन पर लेक्चर दे रहा होता है। वो बताता है कि धरती के जीव सिर्फ अपना 3 से 10% ब्रेन यूज़ करते हैं और उसमें सबसे इंटेलिजेंट इंसानों को माना जाता है जो सिर्फ अपना 10% दिमाग यूज़ करते हैं, और सिर्फ 10% पे ही उसने बहुत कुछ अचीव किया है, चाहे गाड़ी हो, हवाई जहाज हो या रॉकेट से स्पेस में जाना। पर क्या हो अगर वो अपना 20% ब्रेन यूज़ करे, तो वो शायद अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट बीट। और डॉल्फिन सिर्फ ऐसा जानवर है जो अपने दिमाग का 20% यूज़ करता है, जो टेलीपैथी से दूसरे डॉल्फिन से बात कर सकता है। और अगर कोई इंसान अपना 40% ब्रेन यूज़ करे तो वो सामने वाले इंसान को कंट्रोल कर सकता है। ऑडियंस के पूछने पर कि अगर इंसान 100% ब्रेन यूज़ करे तो क्या हो, जिसके जवाब में प्रोफेसर कहता है कि उसे भी इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वही आदमी जिसने लूसी को मारा था
वो फिर से कमरे में आता है तो लूसी उसे मार देती है और बाहर बैठे लोगों को भी गोली से मार देती है। इसके बीच लूसी को भी एक गोली लग जाती है जिससे वो बहुत आराम से निकाल देती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि लूसी में एक पावर ये भी है कि वो दर्द नहीं महसूस कर सकती। फिर लूसी टैक्सी में हॉस्पिटल चली जाती है ताकि ड्रग बैग रिमूव करवा सके। वो जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में जाती है वहाँ लेटे हुए आदमी को मार देती है और डॉक्टर को कहती है कि ये आदमी मरने ही वाला था। तो ये हमें बताता है कि ये लूसी की थर्ड पावर है जिससे कि वो फ्यूचर देख सकती है। फिर डॉक्टर लूसी के पेट में से वो ड्रग निकालता है जिसपे लूसी पूछती है कि ये कौन सा ड्रग है। डॉक्टर बताता है कि वो CPH4 है। ये ड्रग बहुत कम मात्रा में प्रेग्नेंट औरतें 6वें हफ्ते में प्रोड्यूस करती है जो कि बच्चे को पेट में ग्रो होने में मदद करता है। लूसी अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और कहती है कि वो अपनी बॉडी में हर बह रहे खून को महसूस कर पा रही है और उसे वो वक्त भी याद है जब वो अपनी माँ के पेट में थी और पहली बार उसने किक मारी थी। वो ग्रेविटी को, धरती को सूरज के चक्कर काटने तक को महसूस कर पा रही थी। फिर अगले सीन में लूसी होटल में मिस्टर यांग के पास जाती है। वो उसके आदमियों को मार देती है और फिर मिस्टर यांग को इंजर करके उससे बाकी के 3 पैकेट्स के बारे में पूछती है जो वो बता नहीं पाता। लूसी को उसके सर पे हाथ रखकर पता चल जाता है कि उन 3 पैकेट्स को किन लोकेशन पे भेजा जा रहा है। फिर लूसी अपने दोस्त से मिलती है जिसको गले लगाकर उसे पता चल जाता है कि उसको कोई ना कोई बीमारी है। फिर उसके बाद लूसी उसी प्रोफेसर को ढूंढने लग जाती है जो लेक्चर दे रहा होता है। वो उसका फ़ोन नंबर ढूंढती है और उसको कॉल लगाती है और उसकी रिसर्च के बारे में पूछती है जिसपे प्रोफेसर उसे कहता है उसने कितनी रिसर्च लिखी है उसको भी याद नहीं है। जिस पर लूसी उसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेजेस बता देती है जिससे कि प्रोफेसर हैरान हो जाता है। फिर उसी वक्त प्रोफेसर के सामने पड़े टीवी पर लूसी की वीडियो आने लगती है। इस वक्त लूसी अपना 28 से 30% ब्रेन यूज़ कर रही होती है और अब वो इलेक्ट्रिक चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। वो प्रोफेसर को अपने बारे में सब बताती है और कहती है कि वो सब कुछ जानती है और उसे इस इन्फॉर्मेशन का क्या करना चाहिए। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि उसे ये बात सबको बतानी चाहिए। लूसी प्रोफेसर से मिलना चाहती है पर इससे पहले वो उन 3 ड्रग्स के पैकेट्स का पता लगाना चाहती है। लूसी एयरपोर्ट पर जाती है और वहाँ पुलिस वालों को उन 3 लोगों के बारे में बताती है और उनकी फ़ोटोज़ भी भेजती हैं और पुलिस उनको पकड़ लेते हैं। प्लेन में लूसी के सेल टूटने लगते हैं और बॉडी जलने और पिघलने लगती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता बस और ड्रग लेने के। फिर ड्रग लेते ही वो बेहोश हो जाती है और जब आंखें खोलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। जब वो उठती है तो देखती है कि वहाँ कुछ पुलिस वाले उसका वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि लूसी क्रिमिनल है। और वहीं लूसी किसी को भी हाथ लगाए सब इंसानों को ऊपर उड़ा देती है और उनकी गोलियाँ नीचे फेंक देती हैं। लूसी पुलिस से पूछती है कि वो ड्रग्स किधर हैं। फिर जिसके बाद लूसी एक पुलिस वाले के साथ बैठकर कार में चली जाती है और यहाँ उसकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी और वो पूरे शहर के फ़ोन कॉल सुन पा रही थी। वहीं कार में लूसी को पता चलता है कि मिस्टर यांग के आदमी वहाँ थे जो ड्रग लेने आए थे। फिर वो हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है और अपनी पावर से उन सबको हवा में उड़ा देती है। वो उनसे ड्रग का सूटकेस ले लेती है और इंस्पेक्टर के साथ फिर से कार में बैठकर चली जाती है। लूसी प्रोफेसर से मिलने जा रही होती है ताकि वो अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर कर सके। वहाँ प्रोफेसर के अलावा बाकी उसी फील्ड के रिलेटेड एक्सपर्ट्स भी मौजूद होते हैं जो पहले उसकी बातों पे यकीन नहीं करते, पर जब लूसी उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताती है जिसे उनके अलावा किसी को नहीं पता होती तो वो उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। वहाँ वो उन प्रोफेसर्स को बहुत सी ऐसी बातें बताती है जिसकी नॉलेज उसे ड्रग लेने के बाद हुई। वहाँ वो उनको बताती है कि अभी तक हमारी जो मैथ्स को लेके समझ है वो सही नहीं है और असल में जो मायने रखता है वो है सिर्फ टाइम। वो एग्जांपल देती है जैसे अगर कोई कार तेज़ी से जा रही हो पर किसी पॉइंट पे वो इतनी तेज़ी से चलने लगे कि वो दिखे ही नहीं, चाहे वो नज़र ना आए बट कार वही है और चल रही है। इसीलिए टाइम इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तभी मिस्टर यांग और उसके आदमी वहाँ अटैक कर देते हैं और लूसी बाकी के 3 ड्रग्स अपने अंदर ले लेती है और लूसी प्रोफेसर को कहती है कि वो एक कंप्यूटर में अपनी सारी नॉलेज डाल देगी जिसे सब यूज़ कर सकेंगे।
लूसी को और वहां खड़े सभी आदमी को पता था कि इतनी डोज लेने के बाद लूसी अब बच नहीं पाएगी। इसके बाद लूसी एक सुपर कंप्यूटर बनाती है जो उसकी सारी नॉलेज स्टोर कर सकता था। इस वक्त लूसी अपने 80% ब्रेन यूज कर रही थी, जिसके बाद लूसी टाइम ट्रेवल कर पा रही थी। वो वक्त के पीछे चलती जाती है और उस समय पहुंच जाती है जब डायनासोर्स थे। फिर उसके बाद उस वक्त चली जाती है जहां पे हम पहले सीन में एक जानवर को देखते हैं, और जब वो प्रेजेंट में आती है तो अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर कर दी जाती है। जैसे जैसे वो अपना ब्रेन यूज कर रही थी, उसकी बॉडी काली राख में बदलती जा रही थी। फिर वो सबसे पीछे उस वक्त पहुंच जाती है जब बिग बैंग हुआ था और उसके बाद कैसे धरती बनी थी। तभी मिस्टर यांग आकर लूसी के सर पर गन रख देते हैं और इस वक्त लूसी अपना 100% ब्रेन यूज करने लग जाती है और वो गोली निकलते ही वहां से गायब हो जाती है और सिर्फ उसके कपड़े और कंप्यूटर वहां रह जाते हैं। इंस्पेक्टर मिस्टर यांग पर गोली चला देता है जिसके कारण वो वहीं पे मर जाता है। लूसी प्रोफेसर को कंप्यूटर से निकाल कर ड्राइव देती है, जिसके बाद कंप्यूटर भी गायब हो जाता है। और फिर इंस्पेक्टर वहां आता है और प्रोफेसर से पूछता है कि लूसी कहाँ है, जिसपे उसको फोन पे मैसेज आता है जहां लिखा होता है कि आई एम एवरीवेयर। और पहली सीन की तरह यहाँ पर भी बैकग्राउंड आवाज आती है जो कहती है कि हमें जिंदगी बिलियन साल पहले मिली, अब हमें पता है कि हमें इसका करना क्या है।